थ्री डिजिट में बिल्ट अप एरिया कैलकुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले स्केच सेटिंग यहाँ पर थ्री डिजिट में सेट करना है, फिर आर्किटेक्चरल प्लॉट एरिया कैलकुलेशन बिल्ट अप एरिया कैलकुलेशन। एक बार एंटर करो, टेक्स्ट हाइट एंटर करो और एंटर 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 3-4 बार एंटर करो जब तक ये मैसेज नहीं आता है। फिर ओके करो, प्लान को सिलेक्ट करो ऊपर से नीचे की तरफ और बाहर पिक कर लो। तो ये आ गए 3 डिजिट में। ठीक है, यहाँ पर आखिरी वाला अभी 0 रख दो, कितना है 6-5। मैन्युअली अगर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट वाला जो 3 डिजिट रहना है 3109.626 माइनस 16.855 आ गया 771। इसमें मैन्युअली कर दो। ठीक है, कल इसी का कैलकुलेशन 3 डिजिट में भी आप निकालो। ठीक है, मेरा और आपका कल मैच होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग ये ड्राइंग शेयर कर दो। ये हो गया, देन हम पार्किंग देखेंगे आज। ठीक है, पार्किंग में कार स्कूटर साइकिल जो भी आप बिठाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्लान है, इसमें मैंने कार डाल दी एक, फिलहाल एक ये मैं सब डिलीट कर दे, चलो ये डिलीट कर देता हूँ अब फिलहाल। ठीक है, अब इसमें मुझे पार्किंग बिठानी है। ठीक है, अभी ऐसा एज्यूम करो कि इसको वॉल दे दी हमने। ठीक है, ये 12 मीटर का हमने रोड डाल दिया। छः मीटर का ही डालो क्या, बहुत हो जाएगा बड़ा ये। साढ़े चार भी ठीक है एक्चुअली। ठीक है, 4.5 में भी बैठ जाएगा दो अपने, है ना, 4.5। अब इसमें अपने को पार्किंग बिठानी है, तो हम क्या करेंगे, अभी अभी मैं इसकी पार्किंग बिठा के दे रहा हूँ, आपको भी कल इस पे काम करना है। ठीक है, अब इसको एक फिलहाल एक कोई भी, चलो इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ, है ना, अलाइन कमांड एक्स एक लाइन ड्रॉ कर ली, AL कमांड का नाम ही AL अलाइन। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, एंटर, ये पॉइंट क्लिक करो यहाँ पर, ये पॉइंट क्लिक करो यहाँ पर और एंटर एंटर बराबर। इसमें और एक कमांड थी, वो रन होती क्या, पहले मुझे चेक करने दो। यस होती है। इसमें क्या करेंगे, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन दो है अपने पास, एक अलाइन AL एंटर किया हमने, इसे सिलेक्ट कर लिया, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया हमने, इसी को इधर रख दिया, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रख दिया एंटर एंटर बराबर। दूसरा ऑप्शन है कि एडिशनल टूल बार में मॉडिफाई 4R करके एक कमांड है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, 4R रोटेशन के लिए, रोटेशन रोटेशन मॉडिफाई स्केल, चलो इसे में कही रहेगी, रोटेशन के लिए 4R करके कमांड है, 4R एंटर। पूरा प्लान सिलेक्ट कर लिया हमने, ये फर्स्ट वॉल यानी कि उसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट और जहाँ पर रखना है उसे रख दियो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पार्किंग बिठानी है, तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल वाटर सैनिटेशन पार्किंग कैलकुलेशन में ये पार्किंग ऐटो और मैन्युअल, अभी हमें ऐटो चाहिए, तो ए एंटर किया मैंने, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, एक लाइन में कितने हमें डालना है यहाँ पर पार्किंग में, कार कितनी रखनी है, समझो मुझे चाहिए 15, तो ये मैंने 15 एंटर कर लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और फिर एंटर, तो ये 15 नंबर तक कॉपी हो जाएगा। अभी इसके आगे भी बैठते हैं, तो हम फिर से कमांड दे देंगे, आर्किटेक्चरल वाटर सैनिटेशन पार्किंग कैलकुलेशन में पार्किंग, मैन्युअल के लिए M एंटर करेंगे। अब हम जैसे मैन्युअल अब कॉपी पेस्ट करेंगे तो आगे वाले नंबर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये 18 नंबर तक आ गए, अब यहाँ पर हम एक रख देते। ठीक है, ये 19 नंबर,
अब इसको रोटेट कैसे करेंगे, अलाइन वाला मैंने बताया था अभी, ए एल एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रख दिया, सेकंड पॉइंट कहीं पर भी रख दो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यहीं पर नहीं, एक सेकंड, कुछ कहा गया ये यहाँ पर, ठीक है, और बस एंटर करना है आपको दो बार, बराबर। अब इसे थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा हमें, तो ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक हम शिफ्ट हो गए, बट यहाँ पर एक्चुअली थोड़ी जगह और चाहिए क्योंकि यहाँ पर गाड़ी टर्न नहीं होने वाली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के एक कार छोड़ के काम करें, बाकी का बैठा देंगे, और ये टेक्स्ट रोटेशन के लिए या तो प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पर रोटेशन आपको दिखेगा, ये ज़ीरो एंटर करो, ठीक है, या दूसरी कमांड है कि डबल ज़ीरो एंटर करेंगे ना आप, कमांड का नाम ही डबल ज़ीरो है फॉर रोटेशन के लिए, जितने भी टेक्स्ट है एक साथ सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट हाइट देनी है, सॉरी रोटेशन देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आगे पार्किंग बिठानी है, तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल वाटर सैनिटेशन पार्किंग कैलकुलेशन में पार्किंग मैनुअल ऑटो के लिए ए एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एक लाइन में कितने, अभी समझो 25 है, तो ये 25 मैंने एंटर कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने एंटर कर लिया, अब कितने आ गए 43 आ गए, अब यहाँ पर और बैठ सकते हैं, ये कॉपी अगर मैन्युअली हम करेंगे ना तो बाकी वाले नंबर आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, बराबर, तो इसीलिए आर्किटेक्चरल वाटर सैनिटेशन पार्किंग कैलकुलेशन में पार्किंग शॉर्टकट कमांड पी आर के मैन्युअली, तो एम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट फिर ये पॉइंट टू ये पॉइंट ये पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर क्या करो, आप जब पार्किंग इसमें बिठाओगे तो इसमें क्या करो, ये प्लान में पूरी पार्किंग आप बनाओ, ठीक है, अब यहाँ से तो एंट्री आ गई अपनी, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, समझो यहाँ से 4.5 ज़्यादा हो जाएगी, 5, ये दो, एक्चुअली दो के लिए कितना जगह लगने वाली है अपने को, एनजी 2.5 डाल देंगे, ठीक है, तो यानी कि दो और कार आराम से यहाँ से जा सकते हैं फिर, है ना, बराबर। या फिर और थोड़ा सा ये चाहिए तो ये 3 मीटर रख दो, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से मैं 3 मीटर का ही रोड कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से आ गए हम 3 मीटर, ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे भी पूरे फिर से ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इसी को हम कॉपी करके भी रख देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है, सेम यहाँ पर और एक बार लगेगा ये कॉपी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कितना है हमें फिर से 3 मीटर का गैप चाहिए, तो ये पहले दो हटा दो, ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, ठीक है, अब क्या हो गया, अपनी कार जो आ रही है यहाँ से आ रही है, यहाँ पर भी पार्किंग हो सकती है, और जब यहाँ से आदमी आएगा तो यहाँ पर पार्क करके आएगा, ठीक है, तो 3 मीटर के गैप से आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग आप बिठा सकते हो उस हिसाब से बिठाओ, यहाँ पर भी आप अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके अगर दे देंगे पार्किंग इस टाइप में तो भी चलेगा, बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर के ही गैप छोड़ दो। अभी हमें रीनंबरिंग करनी है, ठीक है, ये पूरे प्लॉट तो बन गए, अभी यहाँ से कितने आ गए हमारे 18 नंबर तक आ गए, तो अभी इसको रीनंबरिंग करने के लिए क्या करना है, ये नहीं चाहिए हमें, इसको भी रोटेशन के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको नहीं हो जाएगा, ठीक है, आर्किटेक्चरल वाटर सैनिटेशन पार्किंग कैलकुलेशन में ये नंबरिंग, ओके, स्टार्ट विथ 1 2 3, कमांड शॉर्टकट कमांड है 1 2 3, इसे क्लिक किया, स्टार्ट नंबर लास्ट तक अपना 18 नंबर हो गया है, अभी 19, ओके, तो इसको वन बाय वन क्लिक करने के बजाय हम एफ एंटर करके अगर सिलेक्ट करते हैं, एफ एंटर, तो इसको बस ऐसे सिलेक्ट करना है इस तरीके से,
एफ एंटर करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा और सीक्वेंस में हो जाएगा, दिख रहा है आपको? अगर आप पूरा ट्रैक करेंगे तो नंबर इधर का उधर हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं आएगी उसकी। सेम कमांड दे दी हमने, लास्ट नंबर अपना 60 आया था, अभी स्टार्ट नंबर 61। एफ एंटर, अभी जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब पूछ रहा है ना तब आपको एफ एंटर करना है। ये कमांड बहुत काम की चीज़ है, यानी कि आपको बहुत मीन्स बहुत जगह उसे यूज कर सकते हम सिलेक्शन के लिए। और एंटर आ गया, तो अभी मैंने बस 87 ही बिठाए। अभी आप कल में इसको और अच्छी तरीके से कैसे बिठा सकते हो, तो उस तरीके से मुझे भी इसको भी बिठा के मुझे शेयर कर दो, ठीक है? यानी कल के लिए आपको क्या करना है, पार्किंग बिठानी है, ऐटो और मैनुअली बहुत दोनों कमांड यूज करो, भले आप जगह पे कैसे भी यूज करो बट दोनों कमांड आपको आनी चाहिए, ऐटो में कैसे बिठता है और मैनुअली कैसे दे सकते हैं। और ये मैंने बिल्टअप ही रहा कैलकुलेशन के लिए बताया, 3 डिजिट में करने के लिए, तो ये दो आपको करना ही करना है। चलो तीसरा और एक इंपॉर्टेंट कमांड लेते हैं आज बिल्टअप, इसके मीटर टू फिट कन्वर्जन। समझो हमने प्लान जो बनाया है मीटर में प्लान बनाया है, ठीक है, इसको फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आर्किटेक्चरल में जाएंगे, कन्वर्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक कन्वर्ट मीटर टू फिट शॉर्टकट कमांड VRT, इसे क्लिक करना है, पूरा प्लान सिलेक्ट करना है और नीचे कमांड बार पे आपको देखना है सिंगल बोथ राउंड अप करना है, क्या करना है। सिंगल अगर यस एंटर करते हैं हम तो क्या हो जाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे फीट में, बट अपनी कमांड जो है कैंसिल नहीं हुई है, एंड नहीं हुआ है, वो पूछ रहा है आपको राउंड अप करने हैं कि नहीं। डायमेंशन मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच आ गया है, यहाँ पर 11 इंच आ गए, तो ये क्या करेगा, इसको राउंड अप करने के लिए यस अगर एंटर करते हैं तो ये सब राउंड अप हो जाएंगे। अगर उसको एक्चुअल वैल्यू रखनी है तो एक्चुअल वैल्यू रख दो, ठीक है, जब क्लाइंट को ड्राइंग दिखाना है ना तो एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्चुअली उनको ये समझ में नहीं आती वैल्यू। अभी ये आधा ही कन्वर्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारा प्लान आधा ही यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। अगर पूरा हम प्लान ऐसे सामने रखते और देन कन्वर्ट करते तो ये प्रॉपर हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी हम फिर से राउंड अप कर सकते हैं। कन्वर्ट में जाएंगे हम, कन्वर्ट, ये पूरा प्लान सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर राउंड अप के लिए आर एंटर करना है, ये हो गया राउंड अप। यानी आपका एग्जिस्टिंग प्लान भी अगर है तो उसे भी आप राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेम कमांड हमने आर्किटेक्चरल कन्वर्ट, कन्वर्ट पूरा प्लान सिलेक्ट कर लिया और बी एंटर कर लिया, बोथ एस फॉर सिंगल बी फॉर बोथ, और राउंड अप करना है यस, तो उसने मीटर में भी वैल्यू दे दी और फीट में भी दे दी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यम एंटर करता हूँ कमांड बार पे, देखो यहाँ पर लिस्ट है सभी कमांड यूज करके, देखो यम एंटर किया तो सबका एरिया आ जाएगा मीटर में, स्क्वायर मीटर में, और जब हम एफ एंटर करते हैं तो स्क्वायर फीट में आ जाएगा, और MF करेंगे तो मीटर फीट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कमांड, अगर आपका प्लानिंग फीट में, तो फीट वाला ड्राइंग मीटर में कन्वर्ट अगर करना है आपने, अगर स्केल किया है प्लान तो फीट वाली वैल्यू अगर मीटर में कन्वर्ट करनी है तो आर्किटेक्चरल में कन्वर्ट ये फीट टू मीटर। आपका एग्जिस्टिंग प्लान भी अगर फीट में तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिसीजन कितना देना है 2, तो ये कन्वर्ट हो गए मीटर में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए ये चारों प्लान आपको काम करना है, इस पे काम करना है, बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन पे काम करना है और पार्किंग। तो आज हमने क्या क्या देखा है, मीटर टू फिट कन्वर्जन, फिट टू मीटर कन्वर्जन, पार्किंग कैसे बिठानी है और बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन 3 डिजिट में कैसे करनी है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है सभी को? ठीक है, मैं इसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, देन आप सभी लोग इसी पे फोकस करके कल वाला अगर किसी का पेंडिंग है तो वो भी कल इसी फाइल में शेयर कर दो, इस जैसे मैंने आज किया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है।